महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के दक्षिण में स्थित काया वरहोनेश्वर महादेव 84 महादेवों में 82वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष तथा बाएं हाथ से कन्या की उत्पत्ति की, जो बाद में दक्ष की पत्नी हुई। इन दोनों के संयोग से 50 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप मुनि को तथा 27 चंद्रमा को ब्याही गई, किंतु चंद्रमा दक्ष की केवल एक पुत्री रोहिणी को ही अत्यंत प्रेम करता था। अन्य पुत्रियों को दुखी देखकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब चंद्रमा ने भी पलटकर दक्ष को शाप दे दिया कि तुम प्राचेतस के यहाँ जन्म लो। प्राचेतस के यहाँ जन्मे दक्ष ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो उसने शिवजी को नहीं बुलाया, जिससे क्रोधित हो भद्रकाली आदि ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और यज्ञ में सम्मिलित होने आए देव ऋषि आदि को देह विहीन कर दिया। यह सब जानते ही ब्रह्मा जी ने उन देह विहीन देवों और ऋषियों को महाकाल वन स्थित इस तेजस्वी लिंग का पूजन करने और दर्शन करने को कहा, जिसके प्रभाव से वे सभी पुण्य सुंदर काया को प्राप्त कर भगवान सदाशिव द्वारा दी गई परम गति को प्राप्त हुए। जो लोग द्वादशी के दिन इस लिंग की पूजा करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।